हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको छोटे बेबी का ये सॉक्स बनाना बताऊंगी। आप इसे सॉक्स बोल लीजिए या बुटी बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगे, या जूता बोल लीजिए, शूज़ बोल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के साइज़ का बनाया है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको कोई भी बना सकता है। मैंने इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयों का यूज़ किया है, उल्टी उल्टी रो बनाई हैं। आप चाहो तो इसे सीधी सीधी रो से भी बना सकते हो। 8 मंथ के बेबी को मैं इसे पहना कर देख चुकी हूँ, उसके पैर में ये बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू बोर्न बेबी के लिए हम आज कुछ बनाने जा रहे हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिए और अपना प्यार जताइए कि आप अपने अपनों से कितना प्यार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो ये किसी के भी पैर में फिट हो सकता है, 1 साल के बच्चे के पैर में। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बनाने के लिए मैंने लिया है 12 इंच की सिलाई ली है फ्रेंड्स। 12 इंच कह रही हूँ मैं, 12 नंबर की सिलाई ली है। आप किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हैं, सिलाई कोई मैटर नहीं करती है। तो मैं आपको फंदे डालना बताती हूँ। फंदे डालने का मेथड भी फ्रेंड्स बहुत सारे तरीक़ों से होता है। तो सिंपल तरीका जो है उसमें, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये देखिए मैं बताती हूँ। उसमें हमने, ये देखिए ये हमारी सिलाई है। फर्स्ट रो को तो हम ऐसे ही करेंगे और उसके बाद ही उंगली में लपेटते हुए इसको यूं कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से दिखाती हूँ। हमने उंगली पर टर्न किया और यहाँ इसको यूं कर दिया। एक तो सिंपल तरीका ये होता है, बट मुझे ये वाला तरीका पसंद नहीं है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, हमारा धागा है, उंगली पे हमने इसे टर्न किया और यूं घुसा दिया सिलाई में। तो ये देखिए, एक तो ये सिंपल तरीका है, बट ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये नीचे से काफ़ी हल्का होता है और बहुत जल्दी इसकी सिलाई खुल जाती है। तो जो मैं मेथड, जो तरीका मैं अपनाती हूँ, आपको वही बताती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिंपल ऊन ली है। वैसे आप सॉक्स वगैरह बनाने के लिए मार्केट में ऊन जो होती है वो इजी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी सॉक्स बनाने वाली ऊन ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड की तरफ, ये देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ आपको कुछ ऊन ऐसे इधर छोड़ देनी है, इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ। ये सिलाई मेरी डॉटर ने पकड़ रखी है। हम जो स्टिच डालेंगे, जो फंदे डालेंगे, वो मैं 30 फंदे डालूंगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सिलाई के इसको यूं करना है। आप इस तरफ भी कर सकते हो, उस तरफ भी कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है। और फिर वही कहानी है, हमें यहाँ से इसको घुमाते हुए फिंगर को अपनी और इसके अंदर पिरोना है। ये देखिए फ्रेंड्स, और लेफ्ट हैंड से हमें इसके ऊपर यूं घुमाकर टर्न करना है और फिर इस वाले को दोबारा से यूं पीछे ले जाकर पुश कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हो जाता है। मैं फिर से दिखाती हूँ, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड से हम यूँ नॉट बनाएंगे, घुमाकर इसको यहाँ निकाल देंगे, बट इसे खींचेंगे नहीं, यूँ छोड़ देंगे। और लेफ्ट हैंड की तरफ से एक और यूँ कर देंगे ऊपर से, और ये राइट हैंड को हम वापस ले जाएंगे और यूँ खींच देंगे। तो ये पक्के फंदे बन जाते हैं। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से मैंने फंदा अपनी सिलाई में डाला है और इसको खींचकर साइड कर दिया है। लेफ्ट हैंड से यूँ गोल घुमाते हुए इसे मैं खींच कर नीचे ले आई हूँ और यहाँ से वापस मैंने सिलाई के ऊपर से इसको नीचे छोड़ दिया है और खींच दिया है। तो ये पक्के फंदे बन जाते हैं, खुलते नहीं हैं। मैं इसी टाइप से पूरे 30 फंदे, 30 स्टिचेस इसमें डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 30 स्टिचेस डाल लिए हैं। अगर आपको स्टिचेस डालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से डालना बता दूंगी। तो ये देखिए, ये वाली जो ऊन है, इससे हम अपना पूरा ये बनाएंगे। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है इस तरफ, इसको काटना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना, ये बाद में काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमें बनाने के लिए बस सारी सिलाइयाँ हमें इसमें उल्टी उल्टी ही बनानी है, एंड तक दोनों तरफ हमें उल्टी उल्टी सिलाई ही बनानी है, एक भी तरफ सीधा नहीं बनाना है। तो दोनों तरफ ही उल्टी उल्टी सिलाई बना लीजिए पूरी। मैं एक सिलाई पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारे फंदे उल्टे ही होंगे, एक भी फंदा हमें सीधा नहीं बनाना है। एक सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक रो पूरी हो गई है। ये देखिए, ये लास्ट फंदा है। ये 30 पूरे फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। इसके बाद हम अपनी सिलाई को टर्न करेंगे। तो ये हमारा इस तरफ से सीधा पार्ट है, बट यहाँ भी हम उल्टा ही लेंगे। तो पहला फंदा जो होता है फ्रेंड्स हर सिलाई का, उसको आपको ऐसे ही उतार लेना है, उसको बनाना नहीं है। ये वाला फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतार के और आगे के सारे फंदे आपको बनाने हैं। तो ये देखिए, ये वाली सिलाई भी मैं सारी की सारी उल्टी ही बनाऊंगी,
सारी एंड तक उल्टी ही बनानी है, बीच में आपको कहीं भी कोई भी फंदा सीधा नहीं करना है, तो मैं इसे सारी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड लाइन भी पूरी बना ली है। इसके बाद फिर आपको यही करना है, फर्स्ट फंदा आपको यूँ निकालना है और उसके बाद फिर वही उल्टा उल्टा सारी सिलाई हमें यूँ ही बिननी है, दोनों तरफ से आगे पीछे दोनों तरफ से ही हमें उल्टी उल्टी फंदे ही बनाने हैं। फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ लाइनें बना ली हैं, आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ मैंने उल्टा उल्टा ही इसे बनाया है। तो इस तरफ से ये हमारा पोर्शन जो है ये सीधा है और पीछे की तरफ से उल्टा है, क्योंकि इस तरफ गांठ वगैरह आ रही है। तो मैं काउंट करके बताती हूँ आपको कि मैंने कितनी लाइनें बना ली है। आप इसको ऐसे खींचोगे तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 4 लाइनें हमने बना ली है, रो बना ली है, ये एक रो मानी जाएगी। तो इसी टाइप से मैं पूरी टोटल इसको 28 रो बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 28 लाइनें पूरी हो गई है, मैंने काउंट कर लिया, ये 28 है। और मैंने धागा कट करके इसी धागे में मैंने सुई को पिरो लिया है। अब ये देखिए जितने हमारे टोटल फंदे हैं, इन फंदों को हमें सुई पर उतार लेना है। ये देखिए ऐसे करके भी उतार सकते हैं या फिर सीधी सुई एंड तक इसमें ऐसे घुसा के ले जाइए। तो मैं सारे फंदे अपने सुई पर उतार लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे अपनी सुई में ले लिए हैं। अब हम अपनी सुई को ऐसे खींच देंगे, धीरे धीरे करके अपनी सुई को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ वाला हमारा धागा सारा हमने इस तरफ निकाल लिया है सुई में। अब ये देखिए ये साइड जो है हमारी ये सीधी है और ये साइड जो है हमारी उल्टी है, क्योंकि इस तरफ एक दो गांठें आई हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसी तरफ इसे उल्टा कर लेती हूँ और पहले हमें इसे अच्छे से खींच लेना है। तो यहाँ सामने की तरफ एक गोल शेप बन जाएगा फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिखाती हूँ मैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये गोल सा शेप बन जाएगा, ऐसा ही इसमें हमें बनाना है। धागे को अच्छे से खींच लेना है ताकि ये एक अच्छा सा गोल शेप बन जाए और उसमें छेद ना रहे। छेद रहने से जरा सा भी अगर जगह हुई, होल हुआ, तो वहाँ से हवा वगैरह जा सकती है, बेबी को ठंड लग सकती है। इसको अच्छे से खींचकर बंद करना है, उसके बाद हमें सुई से इसको सील देना है। ये इतना टाइट हो जाता है कि यहाँ कोई भी फंदा सीलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ से सुई है मेरे हाथ में और राइट हैंड की तरफ से ही मैं यहाँ से पहला फंदा जो है उसी से उठाते हुए इसे सील दूंगी। आप किसी भी मेथड से इसको सील सकते हैं, जिस जिस भी मेथड से आप सीलते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, उल्टी तरफ से ही हमें सीलना है। तो हमने एक फंदा इस तरफ से लिया है और एक फंदा हम इस तरफ से लेंगे। तो ये ऐसे इतनी अच्छी फिनिशिंग से सील जाता है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में, और एक्स्ट्रा भारीपन भी इसमें नहीं आता है। तो ये देखिए, एक एक फंदा उठाते रहेंगे और इसे सिलते रहेंगे, दोनों किनारों से एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से दिखाती हूँ, हमने यहाँ से एक फंदा उठाया, ये देखिए, और इसको सील दिया। वैसे ही दूसरा फंदा इस तरफ से उठाया, एक एक फंदा ही उठाना है, और इसको सील दिया। बस ये खिंचता हुआ चला जाएगा और सिलाई पक्की हो जाएगी। फिर एक इस तरफ से उठाइए और एक इस तरफ से उठाइए, ये देखिए ये पक्की सिलाई हो जाती है, टूटती नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा सा सीलूंगी, बस इतना, लगभग 4 फंदे इस तरफ से और 4 फंदे इस तरफ से। इतना सीलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन जो है हमारा आगे के पैर की फिंगर जो होती है वहाँ वाला है, तो मैं इसे सील लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से सील लिया है। अब हम इसे डबल नॉट लगाकर पक्का कर देते हैं ताकि ये हमारी सिलाई खुल ना जाए। ये जो पोर्शन हमने सीला है ये हमारे फिंगर के पास आएगा, फिंगर के ऊपर आएगा। तो यहाँ हमें अच्छे से नॉट लगाकर इसको पक्का करके सील देना है और धागे को कट कर देना है। जिस टाइप से भी आप सिलाई करते हो उसी टाइप से आप सिलाई कर लीजिए। सिलाई का कोई, सबका अलग अलग मेथड होता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सील लीजिए और इसको
पक्का करके आपको धागा यहाँ से कट कर देना है। तो मैं एक दो स्टिचेस और लगा देती हूँ, इसके बाद इसे हम कट कर देंगे ताकि ये कभी खुले ना। ये देखिए फैन, मैं इसे कट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया फिंगर के पास, और ये जो पीछे वाला है ये हमारा यहाँ एडी आएगी। तो ये जो मैंने धागा छुड़वाया था शुरुआत में, इसी धागे में हम सुई पिरो लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सुई पिरो ली है इस धागे में जो हमारा यहाँ पर छूटा हुआ था। तो यहाँ से हम दोनों कॉर्नर मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि इस तरफ से नहीं सिलना हमें, यहाँ से कॉर्नर मिलाते हुए फिर इस तरफ को आना है। यहाँ से सिलेंगे तो इस तरफ छोटे बड़े हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ कॉर्नर से ही सिलेंगे। इस तरफ तो जुड़ा हुआ है, और यहाँ से हम एक फंदा उठाते हुए इसको सील लेंगे। जैसे हमने उस तरफ सीला है ऐसे ही इस तरफ भी सील लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ से उठाया और एक फंदा यहाँ से उठाया, बस इसी टाइप से इसको एंड तक हम सील लेंगे। और इसे सिलने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमने सीला है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वन पीस है। एक इस तरफ से ले लेते हैं, जैसे भी जो भी मेथड आप उस मेथड से इसको सील लीजिए। तो मैं इसे एंड तक सील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पूरा यहाँ तक सील लेती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सील लिया है पक्का करके और नॉट वगैरह लगा दी है। अब हम इसे कट कर देते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, और ये काफ़ी लूज है, मतलब काफ़ी ढीला है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ढीला है, तो ये 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वो वाला हिस्सा है, गोल वाला हिस्सा है, ये हमारे फिंगर पे आएगा और ये हमारे पीछे एडी पे आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों हमारे बुटीक बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत स्ट्रेचेबल हैं, बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।